100 के ऊपर ही इसमें वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा यार हिल जाता है। अरे सर, सर ने तो हॉर्न लगाया ट्रक वाला शायद। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारे पास ये बुलेट 350X, जिसकी आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैग में क्या चीज़ होती है। आप बोलते हो बैग में, मतलब हमेशा बैग लगाया होता है ये, तो बैग में यार एसेंशियल्स होते हैं, जैसे पानी की बोतल होती है, वाटर बोतल, वो भी बड़ी सी मैंने रखी हुई है क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और हाइड्रेटेड भी रहना चाहिए। और उसके बाद यही, मतलब गोप्रो की एसेसरीज़ होती हैं इसमें, तो बस यही सब होता है इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी बेस्ट क्रूजिंग स्पीड देखेंगे। सो वही है, वो चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो किक सिस्टम है इसमें, सेल्फ सिस्टम नहीं है, बिकॉज इट्स बुलेट 350X KS किक स्टार्ट मॉडल। एक ES मॉडल भी आता है जिसमें सेल्फ आता है, लेकिन यार ये रेट्रो बाइक चलाने का मज़ा ही फिर किक मारने में ही है और क्या। और एक बात और है कि अभी की जो किक आती हैं इसमें वो इतनी हार्ड नहीं होती जितनी पहले होती थी। सो मैं आपको बता रहा था कि आज की इस वीडियो में हम इसकी निकालेंगे बेस्ट क्रूजिंग स्पीड। तो बेस्ट क्रूजिंग स्पीड से क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेस्ट क्रूजिंग स्पीड ऐसी स्पीड होती है जिसमें, मतलब क्रूज़र बाइक्स आराम से क्रूज़ करती हैं, उसमें ना बाइक पे जोर पड़ता है ज़्यादा और ना आपको एग्रेसिव फील होती है या फिर ना आपको थकान होती है। सो बेस्ट क्रूजिंग स्पीड एक स्वीट स्पॉट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा। सो इसका जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि इसका स्वीट स्पॉट होगा 70-80 के बीच में। बाकी हम टेस्ट करेंगे तो तभी पता लगेगा कि अलग अलग स्पीड में हम मेंटेन करके चलेंगे, मतलब मेंटेन करके चलेंगे स्पीड अलग अलग वेरिएशन करके, तो फिर पता लगेगा कि लास्ट में क्या इसकी बेस्ट क्रूजिंग स्पीड रहती है। बिकॉज इसकी हाई स्पीड तो 115 तक जाती है शायद, और ये जो आगे 160 तक शो किया हुआ है ये पता नहीं क्यों है। 100 के ऊपर ही इसमें वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा यार हिल जाता है। सो चेक करते हैं, अभी 70 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 70 हमने लिया, तो स्पीड बढ़ रही है, हम 70 पे ही कोशिश करेंगे क्रूज़ करने की। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि यार बहुत अच्छी फील आ रही है 70 पे। तो मैं चेक कर रहा था कि फोर्थ गियर पे तो नहीं है, फिफ्थ गियर पे ही है बाइक। या देर आर मिनिमम वाइब्रेशंस, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आती थी यार, पुराना मॉडल था थंडरबर्ड का, अरे भाई वो भाई साहब इतना भारी, मतलब बाइक भी बहुत भारी थी वो, और ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो एक तो भारी बाइक थी और ऊपर से वो जब चलाते थे तो पूरा, मतलब बाजू हिलती थी ऐसे आपकी। सो वो अगर आपने, किसी ने, व्यूअर ने चलाई होगी तो आप समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। सो 70 भी यार, 70 भी तो बहुत स्वीट है, इसका स्वीट स्पॉट है बिल्कुल 70। तो अभी फाइनल हम नहीं कर सकते, फाइनल बाद में ही करेंगे जब बाकी स्पीड भी हम मेंटेन करके देखेंगे, चला के देखेंगे। 70 के लिए तो थम्स अप यार। तो अभी कोशिश करते हैं, थोड़ा खाली होता है नहीं तो 60 पे करके देखते हैं। सो अभी हम चल रहे हैं 60 पे, और 60 पे देखो, 60 पे ये चीज़ हो जाती है कि यार आप पीछे रह जाते हो बहुत, बाकी सभी आगे निकल जाते हैं, और 60 बहुत ही कम लगती है स्पीड यार। ऐसे रोड पे अगर 60 चला रहे हो तो बहुत ही कम है। सो दो बाइकर्स जाते हुए हरियाणा से आए यार, फील बहुत सही आती है बाइकर्स को देखते, और बाइकर जब चलते हैं तो यार बहुत ही मज़े। ये भी क्रूज़ कर रहे हैं 70 पे, तो हम 60 पे क्रूज़ कर रहे थे लेकिन स्पीड बढ़ा ली हमने,
तो अभी करते हैं कम स्पीड थोड़ी, 60 पे पहुंच गए फिर से। तो यहाँ से थोड़ी दूर तक मैं 60 चलाऊंगा, फिर पता लगेगा। तो 60 की बात की जाए यार, 60 भी बिल्कुल स्वीट है, स्वीट स्पॉट है, लेकिन बस ये बात हो जाती है इसमें कि यार बहुत ही स्लो हो जाता है, टाइम कवर नहीं हो पाता, तो 60 तो बहुत ही कम स्पीड रही। बाकी वाइब्रेशन की बात की जाए तो इसमें वाइब्रेशन फील नहीं होती है 60 पे। सो गाइस इट्स टाइम टू क्रूज ऑन 80। में ये बात रहती है कि 80 में, अरे सर, सर ने तो हॉर्न लगाया ट्रक वाला शायद। क्या बात है, वो देखो, सुनो सुनो, आप हेला का लगाया होगा मेरे हिसाब से, उसकी बहुत लाउड आवाज़ है। सो वी आर क्रूजिंग ऑन 80। सो 80 में आपको ये होता है कि यार वाइब्रेशंस बढ़ गई है, बढ़ चुकी है वाइब्रेशन, और एग्रेसिव फील आती है कि मतलब ऐसे लगता है कि पावरफुल मशीन में बैठे हो, जो कि 60 में नहीं लग रहा था। और 70 में ये था कि 70 में बराबर बराबर था कि आपको पावर भी महसूस होती है और साथ में वाइब्रेशन भी कम है। सो 80 का यही है कि 80 से 100 तक आप तब चला सकते हो जब आपको टाइम कवर करना हो। नाउ इट्स टर्न फॉर 90 पे क्रूज करके देख रहे हैं। 90 पे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है यार, मतलब मेरी बाजू भी हिल रही है और बाजू से ज़्यादा फुट पैक बहुत हिल रहे हैं। मेरा पैर हिल रहा है राइट वाला, लेफ्ट वाले में इतना नहीं हो रहा, राइट वाला ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। सो यार 90 को मैं स्वीट स्पॉट नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि यार वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो 90 से ऊपर यार 100 तक तो छोड़ ही दो, उसमें तो बंदा ही हिल जाएगा पूरा। जाती है स्पीड इसकी 100, लेकिन वो तो मैंने बताया भी आपको 0-100 टेस्ट में। लेकिन यही है यार, हमको तो निकालना था बेस्ट क्रूजिंग स्पीड, जो कि मेरे हिसाब से तो निकल चुकी है और आपको भी पता लग ही गया होगा क्रूजिंग स्पीड क्या है। तो क्रूजिंग स्पीड 70 निकली है हमारी इसकी, 70 to 75 तक भी ठीक रहेगा। सो इट्स क्लासिक, क्लासिक का टायर मोटा है यार, तो उसके लिए मतलब आप लीन कर सकते हो आराम से। जहाँ तक इसकी बात की जाए 350X की, इसमें लीन नहीं होता इतना, थोड़ा बहुत कर सकते हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो पुलिस वाले, मेरे को लग रहा था मेरे को रोक रहे हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता यार स्पीड गन्स लेके बैठे होते हैं ये। सो एक बार देखते हैं पीछे, तो बाइकर्स को भी नहीं रोका है, वो रुक गए थे ऐसे ही सेफ्टी के लिए, लेकिन इन्होंने मेन रोका है ट्रक वालों को, क्योंकि ट्रक की चेकिंग्स होती हैं, चेकिंग होती है। ये एस ना ऐसे ही मतलब राइम के साथ ही जुड़ जाता है, तो चेकिंग होती है बिकॉज़ यार इलीगल बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसीलिए चेकिंग बहुत ज़रूरी है। सो सल्यूट टू ट्रैफिक पुलिस एंड JK पुलिस और बाकियों को भी, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो भी हैं यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह, हमारी सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं ये सब। सो हमें भी साथ देना चाहिए इनका। सो यार टॉपिक हमारा था बेस्ट क्रूजिंग स्पीड का, तो वो बात हो चुकी है, फाइनल हो चुका है इसका कि इसकी बेस्ट क्रूजिंग स्पीड है 70 मैं बोलूँगा, और बेस्ट क्रूजिंग रेंज की बात की जाए तो 70 to 75 इज़ वेरी बेस्ट। सो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो रुकते हैं आगे साइड पे, इसको बस यही चक्कर होता है कि जब न्यूट्रल लगाते हो ना आप, दिन में आपको बिल्कुल न्यूट्रल नहीं दिखेगा, आपको हाथ ऐसा करना पड़ेगा, और इंडिकेटर के लिए भी, इंडिकेटर ऐसे पता ही नहीं लगता ऑन भी है या नहीं, तो ऐसे देखोगे तभी पता लगेगा। तो ये चीज़ है इसमें। तो बाकी यार बेस्ट है बाइक, फिर से मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि इसकी बेस्ट क्रूजिंग स्पीड है 70। 70 में बहुत मज़ेदार चलती है, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह आप बोल सकते हो, क्योंकि यार देसी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, मक्खन चल रही है बाइक या गाड़ी, मक्खन है, और रोड भी मक्खन बोलते हैं, तो बस
सो बस वही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।